रहता है, मतलब इतना नॉलेजेबल इंसान मैं नहीं देखा इस लाइन में। बराबर है, बराबर है। और सर वो असली में एक्चुअली टीचर है, टीचर से नहीं मिला, सब धंधा कर रहे हैं सिर्फ, वो एक्चुअल में एक टीचर है। और यहाँ के प्रोटोकॉल भी बहुत स्ट्रिक्ट है। वही मैं कहना चाहता हूँ सर, यहाँ सिर्फ आप मोबाइल रिपेयरिंग नहीं सीखोगे, एक चीज और सीख जाओगे जो मैं भी सीखा, डिसिप्लिन। मैं सर जिंदगी में 5 बजे नहीं आया सर जी, बहुत मुश्किल होती है। हाँ। बट यहाँ ठंडा ही नहीं लगा सर, सुबह उठे ना आए, एक्साइटमेंट था। बराबर है। आप अच्छा, रात को कौन कौन नहीं सोया था? रात को कौन कौन नहीं सोया था? आप भी सोते हैं? सिर्फ अपनी इज्जत के मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। जैसे ही 1000 ओम से नहीं होता है, वैसे ही कभी 1000 के नहीं होगा। तो क्यों? क्योंकि प्रीफिक्स डिजाइनर, प्रीफिक्स वैल्यू, उसको प्रीफिक्स टेबल बोला जाता है। ये साइंटिस्ट ने बनाई है। ये सबसे पहले तब बनी थी जब सूरज से गणना की गई थी कि प्रकाश धरती पे कब तक आएगा। तो एक जब गणना की गई तो एक साइंटिस्ट ने 0000000 लिखता गया। तो ये वैल्यू किसी को समझ में नहीं आई, इसलिए उन्होंने वैल्यू को वर्ड में डाल दिया कि अगर मैं इतने जीरो ले लूं तो ये वर्ड मान लेगा। तो इसको मतलब प्रीफिक्स टेबल, क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स, प्री, पहले से प्री डिफाइंड टेबल। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो वैसे ही 100 के बाद अगर मैं बात करूं, ये हो गए 100 के में कितने जीरो लग गए बताओ? 5। अब वैसे ही अगर 6 जीरो लग रही है, ये रजिस्टर लिखा हुआ है, यहाँ पर वैल्यू कितनी के बताओ? 10 के रहे, कितनी वैल्यू बोलो? 10 के रजिस्टर की वैल्यू। तो यहाँ पर रजिस्टर को डिनोट किया गया है आर से, किसे किया गया? आर से। और रजिस्टर की इसके ऊपर वैल्यू डाली जाती है। अब देखो ये भी समझना क्या है, तो अगर मैं बात करूं, ये रजिस्टर की वैल्यू है, ये रजिस्टर की क्या है चलिए बताओ, ये रजिस्टर का सिंबल है, क्या है बताओ? ये रजिस्टर का वो कोड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 20201, क्या है बताओ? ठीक है, देखिए आप सब लोग ध्यान देना, इस मल्टीमीटर में सबसे पहले ना क्या ढूंढना है, जितने भी बाहर जो नंबर्स लिखे हैं, नंबर ए बी, आपको ना बेसिकली यहाँ पर ये वाला चिन्ह ढूंढना है, ये वाला चिन्ह, बताइए कहाँ पर है ये वाला चिन्ह दिया हुआ है ना यहाँ पर, इसका मतलब ये आपका रजिस्टर का रजिस्टेंस चेक करने के लिए, क्या चेक करने के लिए बताइए? रजिस्टेंस। अब ये मिनिमम दिया है 200 ओम्स, कितना दिया बताइए? और ये मैनुअल मल्टीमीटर है, कौन सा है? ये यूज करना ही नहीं है किसी भी हाल में, क्योंकि अगर मैं कोई मान लीजिए इनकेस समझना, अगर मान लो ये रजिस्टर में चेक करने गया और ये 1 के का रहा, कितने के का रहा? पहले तो मुझे पता ही नहीं होगा, तो पहले मैं 200 पे रखूंगा, फिर 2000 में रखूंगा, फिर ऐसा करते भगाता जाऊंगा। समझ आ रहा है मेरी बात? हमको इतना टाइम देना नहीं, हम चाहते हैं एक बार में रखे और एक ही बार में सही हो तो हो जाए, गलत हो तो हो जाए, बार बार रोटेट करने की जरूरत ना पड़े। मैनुअल मल्टीमीटर पहली बार तो लेना नहीं है, लिया है तो बाइट साइड में रखो, उसका कोई काम नहीं है इस रिपेयरिंग की फील्ड में। दूसरी बात,
अब इस ये मल्टीमीटर को क्या कर सकता है, तो मिनिमम मैक्सिमम पर हमेशा मल्टीमीटर में वैल्यू को मिनिमम देखो मैक्सिमम देखो। तो ये बोल रहा है 0 से 200 तक कितना, 200 से 2000 तक कितना, 2000 से 20000 के। अच्छा 2000 है तो ये 2K है, एक्चुअली क्या है बताओ, 2K है, 2K से 20K, 20K से 200K और 200K से 2000। अब दान दो, तो 2000 लिख लिया, अब दान देना, और K कितने जीरो होते हैं, 3, तो ये टोटल जीरो कितने हो गए, तो ये 2 मेगा तक है, कितने मेगा तक है। कहां से चेक कर पाओगे, हमारे हमारे मोबाइल में तो कम से कम 10 मेगा के तो रजिस्टर ही है। तो अगर 10 मेगा के रजिस्टर हुए तो ये मल्टीमीटर उसको ओपन बताएगा, क्या बताएगा, मतलब दिस मल्टीमीटर है आप नॉट कैपेबिलिटी टू चेक इन अ रजिस्टर, मतलब इसमें कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता ही नहीं है, ये बना ही नहीं है। तो हमें 2 मेगा नहीं चाहिए, हमको कितने मेगा चाहिए, 8 मेगा चाहिए। कैसे चेक करोगे, फोटो खींचो जल्दी से। सो दिस मल्टीमीटर ये लेना ही नहीं है, और लिया है तो जब कभी कोई वैल्यू ना दी हो, जब कभी, ये फ्लूक का मल्टीमीटर है, यूएस मेड सबसे महंगा मल्टीमीटर है मल्टीमीटर की ब्रांड में, हालांकि इससे भी महंगे मल्टीमीटर है यूनिटी के, पर ये यूएस मेड मल्टीमीटर है, इसके साथ में है ना वो वारंटी भी देते हैं, और ये सबसे ज्यादा चाइनीज यूज करते हैं, क्योंकि ZXW और Wuji जो बना है मोबाइल रिपेयरिंग में आईफोन में, उसके GR इसी मल्टीमीटर से बने हैं, तो इसलिए फ्लूक का मल्टीमीटर सबसे ज्यादा फेमस उसी से हुआ है। तो ये फ्लूक का 101 मल्टीमीटर है, इसकी कॉस्ट तकरीबन 3000 है, पर हमको लेना नहीं है ओम्स। अब बात करते हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये कितने ओम्स है, यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम कुछ यहाँ तो कुछ लिखा है क्या, लिखा है क्या, नहीं लिखा है। मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, खुद का बोर्ड बना रही है, खुद की आईसी बना रही है, वो है सैमसंग। जितनी भी वीवो, आईक्यू और साउमी और जितने भी कंपनी है, टेक्नो, आईटेल, ये सारी कंपनियां ये बोर्ड की केवल केवल असेंबलिंग करती है, क्या करती है, सिर्फ अपना नाम चुपकाती है, ना इनके आईसी इनकी, ना इनका बोर्ड इनका, कुछ भी इनका नहीं है, वो सब कुछ या तो मीडियाटेक कंपनी का है, या क्वालकॉम कंपनी का है, या स्पेक्ट्रम कंपनी का है, तीन कंपनियों से ये परचेसिंग करते हैं और मार्केट में उतारते हैं, किस कुछ भी इनका नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी फैक्ट्री में बैठा हूँ, आप सब मेरे कर्मचारी हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक डब्बा लगाऊंगा, ये देखो मीडियाटेक का कार्टून आ गया, सो उससे पीसी भी निकालूंगा जिसमें सब आईसी लगी होंगी, सिर्फ हमको कैमरा लगाना है उसके ऊपर, क्या लगाना है, तो मैंने किसी और कंपनी से खरीदे हैं, सिर्फ हम माइक लगाएंगे, वो लगाएंगे, कवर लगा के मार्केट में बेचेंगे। तो इन कंपनियों का काम सिर्फ असेंबलिंग करना होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम केवल केवल सैमसंग का होता है, जिसने खुद का सीपीयू बनाया है, जाइनॉक्स, क्या बनाया है, जाइनॉक्स, उसकी आईसी भी खुद की है। सो नोटिस कीजिए, यही चीज अराउंड है, कितने की अराउंड है, बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये कितना है, 85 की, और ये भी स्टेबल है, 85 स्टेबल होना चाहिए, 8, 8 और 5 ठीक है, ये भी स्टेबल है, मतलब दोनों हाई वैल्यू के हैं, दोनों कितने वैल्यू के हैं, तो मुझे बताओ कौन कौन चेक कर लेगा रजिस्टर, पक्का, चलो इसको बताओ, मान के चलो तुम्हारे सर्किट में मोबाइल फोन में एक आईसी लगी है, स्पीकर आईसी, और उस स्पीकर आईसी को इनपुट वोल्टेज बैटरी से 2 वोल्टेज मिल रहे हैं, कितने वोल्टेज मिल रहे हैं, मानो 4 वोल्टेज मिल रहे हैं। अब उसी 4 वोल्ट, क्योंकि हम बैटरी के 4 वोल्टेज को बदल के 3 तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो जुड़ी 4 वोल्टेज से है, किससे जुड़ी है, 4 वोल्टेज। हम यहाँ पे कम कर सकते हैं, जल जाएगी, पर बोर्ड में कैसे करें प्रैक्टिकल, तो हमें इतने ही एम्पियर में, इतने ही एम्पियर का बल्ब जलाना है। और अब हम ये समझो कि हम ये आईसी है और ये इनपुट वोल्टेज है, तो आपको आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग यूट्यूब में, हालांकि इतना तो मैं डीपली बताता नहीं हूँ, पर हम लोग यूट्यूब में ऐसे बोलते रहते हैं कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, भाई एक एक रजिस्टर सर्किट में, एक एक रजिस्टर इंपॉर्टेंट है, तो पैरेलल में लगा हुआ हर एक रजिस्टर, मुझे बताओ ये चीज किस किस को समझ में आई, बताओ, आई यस सर, पक्का, पक्का सर। तो मुझे यहाँ पर 10 वोल्ट क्यों लिखा हुआ है, बोलो, 10 वोल्ट का छोटी है जरूरत है, बात समझो, जरूरत है, सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, मेरे पास 10 लाख रुपए है 100-100 के नोट में, तो मैं क्या 1% के काम हो जाएगा क्या, मेरी रिकॉर्ड में बैग है बड़ा सा, क्या है, बैग है, तो मैं 1% के कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही जब 10 वोल्ट की जरूरत है तो 10 वोल्ट का ही लगना चाहिए, समझ रहे हो, मतलब ये कैपेसिटर और काली, ये कैपेसिटर कहाँ जा रहा है, अगर नोटिस करो ग्राउंड में, मैं बता रहा हूँ कैपेसिटर पे कभी जंपर नहीं लगता है, सीरीज में वो कैपेसिटर ऑलवेज चेंज होता है, क्या होता है, चेंज होता है, कैनॉट मेक ही जंपर,
क्योंकि दंपर मारोगे तो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी कोई भी फ्रिक्वेंसी दौड़ेगा। अब इसका वीडियो लाइक कर लो। 2023 के पहले जनवरी में आपको गर्व है? किस किस को गर्व है? सबको गर्व है। तो ये बताइए मेरे को कि आज हमारी क्या क्लास थी? मॉर्निंग में कितने बजे आए थे सर आप? कितने बजे आए थे? 8 बजे आए थे। समय क्या हो रहा है अभी? 8 बजे। कितनी 4 घंटे की क्लास? 12 घंटे की। 12 घंटे की क्लास सर आपकी। अच्छा तो सवेरे क्या किया आपने? अच्छा ये बताइए मेरे को, इसके पहले जीवन में कभी आईसी रिवॉल्व किया था? नहीं सर। तो सवेरे किस किसने आईसी रिवॉल्व करा? सबने सर। किसने करा? सबने सर। सबने करा? यस सर। कितनी बार करा भाई? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। इधर 5 टाइम्स। कितनी बार? 5 बार। इधर 5 बार। इधर 5 बार। इधर 5 बार। सर सबने रिवॉल्व करा? यस सर। अच्छा जिनका वीडियो देख के आए थे आप, अच्छा आपकी 8 से 11 की क्लास एक थी आपकी सर? 8 से 11 की क्लास एक थी आपकी? हाँ सर। और फिर दूसरी क्लास थी आपकी 11:30 बजे से 11:30 बजे से 5 बजे तक? 5 बजे तक। 11:30 बजे से 5 बजे तक। तो जिनको आप देख के आए थे, किनको देख के आए थे? देव सर को देख के आए थे। तो पहला सामना जब हुआ आपका सर, पहली बार जब सामना हुआ आपका, तो आपको कैसा लगा? नॉलेज मिला आपको? क्या अगर यही रजिस्टर की क्लास किसी दूसरे चौथे या पांचवे या नौ निहाल इंस्टीट्यूट से अगर आपको मिलता तो क्या ये रिजल्ट मिल पाता? नहीं मिलता। अच्छा तो सर ने क्या लेवल से पढ़ाया आपको? जीरो लेवल से। हमने ये समझा सर आपने, आप जीवन में पहली बार मोबाइल की पीसीबी देखी, आपको वहां से पढ़ाना स्टार्ट करा, राइट? अब उसके बाद ये बताइए मेरे को कि सर ने एक रजिस्टर को कितनी तरीके से एक्सप्लेन करा? बहुत तरीके से। इतना आसान कर दिया सर, तरीके से एकदम इजी कर दिया सर। हां तो रजिस्टर का क्या इंपॉर्टेंस हुआ आज मालूम पड़ा? यस सर। सबको मालूम पड़ा? यस सर। क्या इंपॉर्टेंट है रजिस्टर? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं कि आप हाई वैल्यू का, लो वैल्यू का, थर्मिस्टर, कोट रजिस्टर और जीरो ओम का रजिस्टर क्या काम करता है, क्या वैल्यू है, ये आपको मालूम पड़ा? यस सर। सबको मालूम पड़ा? यस सर। सबको मालूम पड़ा? यस सर। अच्छा उसके बाद ये बताइए मेरे को कि आप में से कौन थर्मिस्टर ढूंढ सकता है? ये तो बहुत कठिन काम है भाई। कठिन काम है ये। 15 साल का टेक्नीशियन भी नहीं ढूंढ सकता। तो आपके टीचर मिस्टर देवरतन अग्रवाल सर के लिए क्या बोलेंगे आप? जिस चीज की तलाश थी मिली आपको? मुकम्मल मिली। स्टूडेंट है जी, नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम इमरान खान है, मैं जा सकता था हैदराबाद भी जा सकता था, मैं आंध्रा से हूँ, लेकिन सर के देख के, सर का टैलेंट देख के इधर आया हूँ सर मैं। तो जो टैलेंट देखा तो वो वाकई में वो वीडियो वाला टैलेंट था कि रियल में अलग था? रियल में अलग था सर, वीडियो में उतना नहीं दिखाते थे, रियल में बहुत ज्यादा है सर। अच्छा तो आज मैं अगर कंपोनेंट की बात करूं इमरान तुमसे, तो कंपोनेंट का देखने का नजरिया और पीसीबी देखने का नजरिया चेंज हुआ कि नहीं? चेंज हुआ सर, बहुत चेंज हुआ सर। मेरे 10 साल से शॉप थी। अच्छा। लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं था सर, इतना मालूम भी नहीं था मुझे। अच्छा आज बहुत मालूम किया। ठीक है और अनदर स्टूडेंट है आज, फिर आपने आईसीबी रिवॉल्व किया? यस सर, 5 बार रिवॉल्व किया। यस सर। कैसा लगा ट्रिक? मस्का जैसा लगा सर, एकदम हल्का है, एकदम हल्का सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम कैश रजा है सर, मैं बिहार से हूँ। कैश रजा, उम्र क्या है तुम्हारी? 19 ईयर्स सर। 19 ईयर्स। 19 ईयर्स में मोबाइल की लाइन में आ गए तुम? यस सर। तो क्या फ्यूचर देखते हो मोबाइल की लाइन में और आज की क्लास के बारे में? अच्छा इसके पहले सवेरे क्या किया आपने? मैंने ऐसी रिबोल किया सर। ठीक है, उसके बाद दोपहर में देव सर के साथ क्लास थी आपकी? देव सर के साथ थी सर। कितनी बार आईसी रिवॉल्व करी आप? 5 बार सर। 5 बार करी आपने। और देव सर के साथ क्लास थी आपकी? जी सर, क्लास भी बहुत अच्छी रही सर, देव सर के साथ। अच्छा कंपोनेंट का नॉलेज पूरा मिला? यस सर, पूरा मिला सर। प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? प्रैक्टिकल में हमने रजिस्टर खोला सर और चेक किया, कंपोनेंट भी निकाला। अच्छा तो सारे प्रकार के रजिस्टर के बारे में जानकारी मिली आपको? जी, तो प्रैक्टिकल में पूरा प्रैक्टिकल करा? यस सर, पूरा किया सर। हर चीज से सेटिस्फाई? यस सर। रजिस्टर के सारे प्रकार में बोलूं कि थर्मिस्टर ढूंढ के केश रजा बताओ मेरे को? जी ढूंढेंगे सर। ढूंढ देंगे? यस सर। कितनी देर में? 5 मिनट में ढूंढेंगे सर। 5 मिनट में ढूंढ लेंगे? चलिए ठीक है।
सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरा नाम है वाजिद शेख। हाँ जी वाजिद बताइए। सर देव सर के साथ में आज क्लास हुई जी, हमने 5 बार आईसी रिबॉलिंग किया। ठीक है, और थर्मिस्टर तो 2 मिनट में ढूंढ लूंगा सर। थर्मिस्टर 2 मिनट ढूंढ लो। मिनट में। और अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे को 25 रजिस्टर हाई वैल्यू के निकाल के दे दो, सारी वैल्यू के, तो निकाल के दे दोगे? पीसी भी होगा सर, नॉलेज है आपके पास? यस सर है ना सर, सोच के बोलो लाइव हो सर। नॉलेज है जब भी बोल रहा हूँ। नॉलेज है जब भी बोल रहा हूँ। कैसा लगा क्लास आपको? अच्छा लगा सर, अभी तो पहला ही दिन है सर, आज पहला दिन है इसके लिए अच्छा लगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। मेरा नाम कुणाल कुमार, झारखंड से हूँ। हाँ जी कुणाल बताइए। आज सर आईसी 5 बार रिबॉलिंग किया और देव सर के साथ कंपोनेंट की क्लास थी, तो सर बहुत अच्छी रही। क्या नॉलेज है पढ़ाने का सर का? बहुत अच्छा है सर, 5 मिनट में मैं ये कंपोनेंट की आपने 15-20 बोला ना कंपोनेंट, 5 मिनट में निकाल दूंगा। 5 मिनट में निकाल दोगे? यस सर। पक्का? यस सर। एक बार क्लैपिंग कर दो उसके लिए यार। नेक्स्ट आइए। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम नितिन कुमार है। कहाँ से हो भाई? यूपी से सर। यूपी से? यस सर। अच्छा यूपी से कौन कौन है यहाँ पे? यूपी से कौन कौन है? 1, 2, 3, 4, 5 5 सर यूपी से। तुम यूपी वाले सब सामने आ जाओ। तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नितिन कुमार है सर। मैं नितिन, कितने साल से काम कर रहे हो मोबाइल का? सर 4-5 साल हो गए। अच्छा, तो कैसा रहा क्लास आज आपका? बहुत अच्छा रहा सर, जैसा सोच के आया था उससे ज्यादा मिला सर। अच्छा, पहला दिन था ये? यस सर। पहले दिन में क्यों आपने सबसे पहले देव सर के साथ क्लास ली है ना? सवेरे आपने प्रैक्टिकल क्लास ज्वाइन की, उसके बाद फिर आपकी देव सर के साथ क्लास थी। आईसी कितनी बार रिवॉल्व किया आपने? सर 6 बार की। 6 बार की? यस सर। तो अगर दुनिया की कोई सी भी आईसी दे दे तो आप रिवॉल्व कर सकते हो? यस सर। आपके पास टैलेंट है? यस सर। आईसी स्टेंसिल से निकालने से पहले डिसाइड करके बता देंगे कि सही बनी कि नहीं बनी? यस सर बता देंगे। वो नॉलेज है आपके पास? यस सर। कैसा लगा ट्रिक? बहुत अच्छा लगा सर। अब देव सर के साथ क्लास थी आपके कंपोनेंट की, अगर ये कंपोनेंट की क्लास अगर तीसरे इंस्टीट्यूट में जाते और कोई टीचर देता तो इतना समझ में आ पाता? इतना नॉलेज ले पाते क्या? नहीं सर। बताइए मेरे को, एक दिन में क्लियर हो पाता क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो खाली बात तुम्हारी कर रहे हो कि पूरी क्लास की बात कर रहे हो? पूरी क्लास की बात कर रहे हैं सर। पूरी क्लास की? यस सर। तो चलिए बताइए मेरे को कि आपने प्रैक्टिकल क्लास में क्या क्या करा? मैंने प्रैक्टिकल क्लास में सर जो सर ने बताया था वो सारे रजिस्टर के क्रिस्टल। तो सर कुछ और बताते हैं और यहाँ कुछ और निकलता है ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ। पूरी सिंक्रोनाइज होती है क्लास? यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन आइए। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम बता दीजिए और कहाँ से बताइए। हयात है, मैं तमिलनाडु से हूँ सर। हयात तमिलनाडु से? तो हयात तमिलनाडु बहुत दूर जबलपुर आया आप, कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा सर। तो सवेरे की क्लास थी आपकी रिवॉल्विंग की? सर। कितनी बार करा? सर मैंने 5 बार रिवॉल्व करा। 5 बार रिवॉल्व करा? पक्का? पक्का। ये पहले करते थे कि पहली बार करा इसे टेलीकॉम में? नहीं। तो एक दिन में 3 घंटे की क्लास में 5 बार रिवॉल्व कैसे कर लिया भाई, कैसे कर लिया? सर रिवॉल्व आप देव सर के टैलेंट में सर। देव सर के टैलेंट में? चलिए, तो देव सर के साथ आपकी कंपोनेंट की क्लास थी आपने, कैसी लगी आपको? सर वो बहुत अच्छा लगा सर, मैं तो कंपोनेंट के बारे में पता नहीं था तो आज पता लग गया। अच्छा, तो यहाँ पे पूरा प्रेसिंग करा तुमने? हाँ करा। ये तुम्हारी टेबल है? हाँ हाँ सर। तुम्हारी टेबल है? नहीं बैठते हो तुम? हाँ यस सर। चलिए, तो आपने सारी पीसीबी ट्रेस करी? हाँ करा। थर्मिस्टर कितनी देर पर ढूंढ लोगे? सर मैं तो 3 सेकंड में ढूंढ लूंगा। 3 सेकंड में? चलो ठीक है, चलो भाई क्लैपिंग कर दो इसके लिए, आपके लिए। सर मेरा नाम मोहम्मद इसरार है। हाँ जी इसरार, कहाँ से हो आप? यूपी से। यूपी से? जी सर। तो इसरार इस फील्ड में कब से हो तुम? सर मैं फ्रेशर हूँ। ये मजाक कर रहे हैं क्या? हेलो मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं सर, मजाक नहीं। क्यों, आप आईसी भी बहुत बढ़िया तरीके से बनाई आपने, आज ट्रेसिंग भी करी, कंपोनेंट भी आपने निकाले लगाए और सारे कंपोनेंट की रेटिंग निकाली। बस देव सर का आशीर्वाद ऐसा बना रहेगा तो हम और आगे निकलते जाएंगे सर। तो ये पहले दिन ही इस लेवल का नॉलेज मिल रहा है आपको? जी सर। कोई डेमो क्लास वगैरह देता है ऐसे का? नहीं सर। किसी प्रकार के डेमो क्लास का कोई वादा है यहाँ पे? नहीं सर। फाइनल क्लास है ना? तो कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या सोच, 30 दिन में तुम क्या पोजीशन पे पहुंचोगे? सर मैं जो सोच कर रहा था उससे कहीं अधिक मिला हमको। अच्छा जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आई बोले, नेक्स्ट मेरा। हाँ थोड़ा सा टर्न होते जाइए, जिनका होंगे फिर बाजू में होते जाइए, बाकी इधर आते जाइए। जी मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, जिनका होंगे इधर आते जाइए। जी जी सर, मैं मनोज इटावा से। हाँ हाँ जी मनोज। जी सर। तो बताइए मनोज, आज पहला दिन एशिया टेलीकॉम में, सुबह से लेके अभी रात के 7:15 बज रहे हैं आपके, सवेरे 7:30 बजे आए थे ना? 7:30 से आए थे ना? यस सर।
बाहर नहीं जाने का, इधर अंदर ही। 7:30 से आए थे ना आप? यस सर। तो बताइए मेरे को 7:30 से 8:15 तक क्या किया आपने? आज तो बहुत मजा आया क्लास में। क्या लेवल का मजा आया थोड़ा बताइए, आप भी सुनना चाहते हैं? मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा। अच्छा। यस सर। तो फिर आपके साथ देव सर की क्लास थी, उनके साथ क्लास का कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। क्या लेवल है पढ़ाने का? नंबर एक, इंडिया नंबर वन। इंडिया नंबर वन? यस सर। तो इंडिया नंबर एशिया टेलीकॉम को इंडिया नंबर वन लेकर लिखता है, जैसे वो स्क्रीन पे लिखा है इंडिया नंबर वन एशिया टेलीकॉम, तो है कि नहीं? कोई गलती नहीं है, ये नंबर वन है। नंबर वन है? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए तो चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर मेरा नाम हनी अग्रवाल, मैं उड़ीसा से हूँ। हनी? यस सर। उड़ीसा से? यस सर। हनी पहला दिन एशिया टेलीकॉम में कैसा फील हो रहा है? सर लग ही नहीं रहा पहला दिन सर, ऐसा लग रहा है एक दो महीने से हूँ। एक दो महीने से हो? यस सर। क्या नॉलेज मिल रहा है? सर नॉलेज तो ऐसा कि जो मतलब जितना सब कुछ जाना था ना, बहुत जगह घुमा बट नहीं मिल पाया, बट देव सर इतना दे दे रहे कि मतलब डाउट पहले से ही क्लियर कर देते हैं वो, जो अच्छा। मन में भी रहता है, मतलब इतना नॉलेजेबल इंसान मैं नहीं देखा इस लाइन में। बराबर है, बराबर है। और सर वो असली में एक्चुअली टीचर है, एक्चुअल टीचर, टीचर से नहीं मिला, सब धंधा कर रहे थे, वो एक्चुअल में एक टीचर है। और यहाँ के प्रोटोकॉल भी बहुत स्ट्रिक है। वही मैं कहना चाहता हूँ सर, यहाँ सिर्फ आप मोबाइल रिपेयरिंग नहीं सीखोगे, एक चीज और सीख जाओगे जो मैं भी सीखा, डिसिप्लिन। मैं सर जिंदगी में 5 बजे नहीं आया सर जी, बहुत मुश्किल होती है। हाँ। बट यहाँ ठंडा ही नहीं लगा सर, सुबह उठे ना आए, एक्साइटमेंट था। बराबर है। आप अच्छा, रात को कौन कौन नहीं सोया था? रात को कौन कौन नहीं सोया था? आप नहीं सोए थे रात को? नींद नहीं आ रही थी सर। नींद नहीं आ रही थी, सोना जरूरी था आज के एक्साइटमेंट के लिए, नहीं तो सोते भी नहीं सर। बराबर है। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम ओम प्रकाश केसरवानी। ओम प्रकाश जी कहाँ से हो? फतेहपुर यूपी। यूपी से हो आप जी? तो यूपी से जबलपुर कैसा सफर रहा आपका? बहुत अच्छा सर। अब क्या नॉलेज मिला आपको? बहुत अच्छा, जो वीडियो देख के मैं आया था उससे मुझे 100 गुना नहीं 1000 गुना प्लस मिला सर। प्लस मिला जी सर। वो टैलेंट है एशिया टेलीकॉम में, वो नॉलेज है बिल्कुल। और यहाँ के लीडर है मिस्टर देवरतन अग्रवाल सर। क्या क्या लेवल का नॉलेज है, क्या लेवल की पढ़ाई है? बहुत अच्छा नॉलेज है सर। ऐसे ट्रिक बता देते हैं सर कि मतलब फील नहीं होता कि ये काम हम लोग कर सकते हैं या नहीं, खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम लोग कर लेंगे। बराबर है। तो अभी तो बहुत सारी बड़ी बड़ी क्लासें बाकी है, तो आज पहला दिन शुरुआत कैसी लगी आपको? आज का ओपनिंग कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा लगा जी सर। 12 घंटे तनिक भी फील नहीं हुए कि आज मतलब 12 घंटे ऐसे कटेंगे। बराबर है। चलिए ठीक है, थैंक यू। तैयब अंसारी सर जी, झारखंड से आया हूं। ए भाई जितने लोग आना बाकी है इधर बीच में आ जाओ, जाइए आइए फटाफट जी। झारखंड से सर, तैयब अंसारी। तैयब अंसारी झारखंड से जी सर। तो तैयब ये बताइए एशिया टेलीकॉम में पहला दिन कैसा रहा? बहुत मजा आया सर, जितना सोचे नहीं थे उतना से ज्यादा मिला सर। पहला ही दिन? पहले ही दिन? यस सर। अच्छा क्या क्या करा आपने आज पहले दिन? रजिस्टर और टोटल कंप्यूटर जितना भी रहता है बोर्ड में, टोटल क्वाइल भी जो भी आज पढ़ाया हुआ 3-4 टोटल समझ में आ गया सर, जो कि पहले तुक्का के हिसाब से काम करते थे सर, अब चेक करके काम करूंगा सर। अच्छा। यस सर। अच्छा रिवॉल्विंग इसके पहले करते थे आप? नो सर। आज कितनी बार करें? 5 मरतबा किया सर। 5 मरतबा करें? यस सर। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आया सर। चलिए ठीक है, फॉरवर्ड कीजिए। चंदन कुमार शाह सर नेपाल से। हाँ जी चंदन बताइए। सर बहुत अच्छा रहा आज पहला दिन, सिस्टम मैंने ऐसी रिवॉल्व किया। काफी दिन से इस फील्ड में हूँ, लेकिन जो लेवल पे मैंने आज काम किया उस लेवल पे नहीं कर रहा था। तो चंदन ये बताइए मेरे को कि आज आपका आमना सामना हुआ देवरतन सर से, yes, ना जिनको वीडियो में देख के आए थे, जिनके खातिर आपने यहाँ पे फीस डाल के एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करा। पढ़ाने का जो टेक्निक है ना, हार्ड से हार्ड चीज को इतनी आसानी से वो डील करते हैं, इतनी आसानी से समझाते हैं ना, वो बहुत परफेक्ट है, समझ आ जाता सर सर एक ही बार। एनर्जी लेवल कैसा है? बहुत आया सर। सर का एनर्जी लेवल कैसा है? कैसा है लेवल? उनकी वजह से हमारा हाई हो गया सर, कंट्रोल नहीं हो रहा हमारे। बीपी भी हाई होगा तुम्हारा भी होगा। बहुत अच्छा लगा सर। और ओवरऑल अभी नाइट की क्लास में जो प्रैक्टिकल क्लास, तो सर अगर 5 घंटे सर पढ़ाते हैं तो वाकई में उसका प्रैक्टिकल मिलता है कि नहीं मिलता? क्या तरीका है प्रैक्टिकल देने का यहाँ पे? बहुत बढ़िया, सटीक एकदम दिमाग में आता है। अच्छा आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो बिना प्रैक्टिकल करे बैठा है यहाँ पर? हेलो बताइए। क्लास हुई परफेक्ट हुई, उसके बाद आपको थ्योरी हुआ जी, जो कंपोनेंट्स के आइडेंटिफिकेशन और उसका टेस्टिंग और बताया, वो प्रैक्टिकल भी आज पूरी हो गई। पूरी हो गई।
एक ही दिन में डे बाय डे ऐसे ही होगा आपसे। यस सर। और मैं रिव्यू आपका जब तक नहीं लूंगा कि जब तक एक एक स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं हो जाए। यस सर। जब तक आप सेटिस्फाई पहले आप होंगे उसके बाद रिव्यू लिया जाएगा, जबरदस्ती रिव्यू किसी से नहीं लिया जाएगा। तो आप आज की क्लास से पूर्ण रूप से संतुष्ट है? बिल्कुल सर, 100% सैटिस्फेक्शन। ठीक है, चलिए कैरी फॉरवर्ड कीजिए जी। सर मेरा नाम मोहम्मद रियाज है सर, मैं झारखंड से हूँ। रियाज बेलादीन एशिया टेलीकॉम में। यस सर। क्या इसके पहले क्या करते थे सर? इसका पहले मोबाइल का ही काम करता था सर, बस लाइफ बर्बाद कर रहा था सर। मैं लाइफ बर्बाद कर रहे थे। यस सर। मैं यहाँ पर आया तो सर हर चीज का ये क्या है ये वो है मुझे ना हर चीज यहाँ सीखने को मिला सर। तो आज ऐसी कितनी बार रिकॉल करा सर? 5 बार। 5 बार करा। और देव सर के साथ जो क्लास थी कंपोनेंट की? यस सर, वो बहुत बढ़िया रहा सर। क्या लेवल है सर? मिस्टर के बारे में सर हम लोग जानते नहीं थे कि क्या है वो। बराबर है। यस सर, उसका नॉलेज मिल गया सर। बराबर है। कितनी देर में ढूंढ लोगे थर्मिस्टर अभी? तुरंत ढूंढ लें सर। तुरंत ढूंढ लोगे? 3 मिनट में पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। लाइव बोर्ड में चेक कराया आपने? यस सर। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लगा सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट सर। सर मेरा नाम राकेश है, मैं नागपुर से आया। हाँ जी। जी सर, मैं फ्रेशर हूँ। फ्रेशर हो इस फील्ड में? जी सर। इसके पहले आपने कभी मोबाइल को टच भी नहीं करा? नहीं, मतलब ऐसे खोला हो। हाँ, खोले हो लेकिन कंपोनेंट वगैरह कभी टेस्टिंग नहीं किया। कभी टेस्टिंग नहीं की? जी सर। तो आज आपने, चलो ठीक है, मैं आप फ्रेशर बोल रहे हैं तो सबसे पहले स्किल की बात करता हूँ आपसे मैं। जी सर। तो आज आपने आईसी ईमानदारी से बताओ कितनी बार रिवॉल्व किया? 5 बार रिवॉल्व किया। 5 बार रिवॉल्व किया सर। तो तुक्के में करा कि परफेक्ट तरीके से करा? पहले 2 बार नहीं हुआ। हाँ, फिर करते करते 5 बार हो गए सर। 5 बार हो गया। जी सर। तरीका कैसा है यहाँ पर? एक बढ़िया तरीका है। यह चाय बनाने वाला बच्चा भी सीख सकता है? जी सर। जी सर। वो बड़ी बात तो नहीं बोल रहा हूँ। नहीं सर, आराम से। हेलो। नहीं सर, बिल्कुल। यहाँ चाय बनाने वाला बच्चा भी सीख सकता है? सीख सकता है। तो फिर उसके बाद कंपोनेंट की क्लास? कंपोनेंट की क्लास। तो कंपोनेंट तो आपको समझ में नहीं आए होंगे? नहीं सर, रजिस्टर कैपेसिटर वगैरह उतना तो समझ जाते हैं, बस टेस्टिंग का नहीं पता था कैसा करना क्या करना। तो फिर आज प्रैक्टिकल किया तो सब पता चल गया। सब पता चल गया। जी सर। थर्मिस्टर कितनी देर में ढूंढ लोगे? 3 मिनट में। 3 मिनट में ढूंढ लोगे? बिल्कुल। कॉन्फिडेंस? बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एक और स्टूडेंट है हमारे साथ, राणा राज त्रिपुरा से। हाँ जी राणा, बताइए। सर आज क्लास में 10-15 साल से दुकान मोबाइल शॉप चला रहा हूँ लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। अच्छा। जो आज जो रिबोलिंग का और कंपोनेंट का जो क्लास हुआ जी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया और उन्होंने भी अच्छी तरह से समझाया। अच्छा। जो बोल जो जिसको समझ में नहीं आया उसको दो बार तीन बार भी समझाया। तो क्या है यहाँ कोई धक्का देने वाला काम है? नहीं, नहीं, कि ये वाला काम है, ऐसा काम तो नहीं है? नहीं सर। हैं? नहीं सर। तो जब तक समझ में नहीं आता जब तक क्लास खत्म होती है क्या? नहीं सर। नहीं होती, ना होगी, ना कभी होगी। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वन। मेरा नाम सागर है। हाँ जी सर। नेपाल से। जी सागर, बताइए। आज क्लास पहले दिन का क्लास है, बहुत बढ़िया रहा सर। शुरू में आईसी रिबोलिंग किया, ठीक है। बाद में सर से कितनी बार करा? मैंने 5 बार किया सर। ठीक है। पहली बार किया सर। पहली बार किया? पहली बार। सच्ची? सच्ची में सर। पहली बार किया? पहली बार। तो पहली बार में कैसे हो गया 5 बार? नहीं सर, मैं काम तो करता था मगर आईसी के काम नहीं किया। आईसी का काम नहीं करते थे? अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर आपकी सर के साथ क्लास थी 11:30 से 5 बजे तक क्लास थी आपकी? यस सर। तो वो भी बहुत बढ़िया रहा सर, कंपोनेंट का क्लास था। अच्छा। कैपेसिटर ट्रांजिस्टर सब चेक किया? सब चेक किया। अभी प्रैक्टिकल भी हुआ सर। प्रैक्टिकल भी हुआ? तो वो जो सर पढ़ाते हैं उसका पूरा प्रैक्टिकल होता है? पूरा होता है। सेटिस्फाई? सेटिस्फाई सर, फुल सेटिस्फाई सर। फुल सेटिस्फाई। अगर मैं बोलूँ कि थर्मिस्टर ढूंढ के बता दो कोई सी भी पीसी, 2-3 मिनट में ढूंढ देंगे सर। वो भले ही सैमसंग का कोई सा भी हो, जाहिर सा हो, मीडियाटेक हो या क्वालकॉम हो, कोई सा भी हो, कोई मुश्किल नहीं सर। कोई मुश्किल नहीं। आपको मालूम है किस किस जगह आते हैं? मालूम है सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। जी जी, मैं सौरभ कुमार। हाँ जी सर, बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, हम यहाँ आए सर, आज देव सर के साथ पहली क्लास थी। हमको तो ये लग रहा है सर, देव सर के हाथ मिलाने वाला सर इंडिया में कोई हो ही नहीं सकता। हम तो ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई नहीं हो सकता है सर, जिस तरीका से पढ़ा रहा है। और मैं मात्र 2-3 महीना किसी और की दुकान में काम कर रहा था और यहाँ पहले दिन रिवॉल्व किया और कंपोनेंट्स के बारे में जाने, बहुत बढ़िया लगा। और उसके सर साथ साथ सर आपका जो पढ़ाया है ना सर, आप भी सर देव सर से कम नहीं है सर। नहीं नहीं, अरे भैया हमको तो जितनी चाबी बढ़ते उतना पढ़ाते हैं हमको। लेकिन सर आपका भी महत्वपूर्ण भूमिका है सर। जो जो भी होता है ना जी सर, वो जो हमको ट्रेन वही करते हैं।
जी समझ? लेकिन आप आपका भी पढ़ाई का तरीका पढ़ाने का बहुत बढ़िया है सर। ये पूरी टीम एशिया टेलीकॉम की ऐसी है भाई, जिससे मिलोगे ना उसको बोलोगे बोलो सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। ये टीम वर्क है, किसका है? टीम वर्क है ये। हम यूनिटी है, छह टीचर है यहाँ पर, कितने? छह टीचर, सब एक से एक धुलंधर मिलेंगे आपको, अपने फील्ड के महारत मिलेंगे, है ना? मेरा नाम है संजय शाह। जी सर, जी संजय बताइए। मैंने वीडियो देखा था, यकीन नहीं किया था सर इतना काम सीखने के, इतना आसान होगा सर। पहला क्लास में मैं EMC ICE सर डिवाइडिंग किया सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर। पहली बार करा आपने? हाँ सर। कितनी बार करी आपने? सर मैंने 5 बार किया, 12 साल से सर काम कर रहा हूँ सर। इतना आइडिया नहीं था कंपोनेंट बारे में सर, आज बहुत सारा आइडिया मिला सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर। अच्छा, कंपोनेंट की दियो सर के साथ क्लास थी आपकी, बहुत क्या तरीका और कैसा तरीका सर का पढ़ाने का? सर इतना बहुत अच्छा लगा सर, मैंने सर इजी तरीके से हमको समझ में आया। अच्छा, जो सर ने पढ़ा के पूछा है हाँ पूरा प्रैक्टिकल करा आपने? हाँ सर। एक एक चीज का? हाँ पूरा 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 सर। राइटिंग में भी और PCB में भी? हाँ सर। पूरा करा? पूरा पूरा दिमाग में बैठ गया? हाँ सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट जी। मेरा नाम मुनेश्वर कुमार, हाँ जी से हूँ जी। आज पहले 8 बजे आए हैं, IC रिवॉल्विंग का काम किए जी, 4 बार IC रिवॉल्विंग किए। उसके बाद देव सर के साथ हमारा कंपोनेंट की क्लास हुई। अच्छा, जो रजिस्टर कैपेसिटर डायोड थर्मिस्टर के बारे में बताए जी, उसे उसका प्रैक्टिकल हुआ। प्रैक्टिकल किया आपने? किए सर। एक एक चीज मिला आपको? जी सर। थर्मिस्टर कितनी देर में ढूंढ लोगे? 3 से 4 मिनट में सर। 4 मिनट में ढूंढ लोगे? जी सर। पक्का? पक्का सर। इसके पहले ये नॉलेज था आपको? नहीं सर। ऑल द बेस्ट। चलो जो बच्चे में जो भी डाल होंगे बीच में फटाफट आते जाओ। आते जाओ जो बच्चे, सब आ जाओ, सबको रिव्यू देना है। हेलो, मेरा नाम अनिल ठाकरे सर। हाँ जी। महाराष्ट्र से हूँ। अनिल महाराष्ट्र में कहाँ से? नासिक। और महाराष्ट्र से कौन है भाई? जो अभी जिनने रिव्यू नहीं दिया उनका हो गया ना। चलिए, सुबह 8 बजे हमारे देव सर के साथ क्लास थी सर, कंपोनेंट के बारे में बता रहे थे। 5:30 बजे थी, 11:30 बजे, 8 बजे हम लोग आए थे सर। 11 बजे क्लास हुई, बहुत अच्छा तरीके से सिखाया सर। क्या करा आपने 8 से 11 के बीच में? थ्योरी का, 8 से 11 के बीच में क्या करा? कंपोनेंट का बोला था सर, आईसी रिबॉलिंग का। कितनी बार करी? 5 बार करी सर। पक्का? पक्का सर। इसके पहले जीवन में करी थी? नहीं करी थी सर। तो 5 बार कैसे कर दी, मतलब बताया और 5 बार कर? हमारे एमडी सर ने जो सिखाया सर। तो आपको आ गई वो? आपके जीवन में कोई सी भी अगर आपको अगर EMC देंगे तो आप बना लोगे? बना लूंगा सर। उसके बाद देव सर के साथ क्लास थी? देव सर के साथ। क्या नॉलेज मिला भाई? बहुत नॉलेज मिला। आज PCB के अंदर पूरा घूम गए थे? पूरा घूम गया था सर। है? यस। तरीका बहुत बहुत इजी सर। बहुत मतलब सर पूरा डीप में बताते हैं भाई। यस सर, पूरा डीप में। तो फिर कैसी लगी सर के साथ क्लास आपको? बहुत अच्छी लगी सर। और उसके बाद फिर क्या किया आपने? कंपोनेंट रजिस्टर वगैरह पूरा प्रैक्टिकल करा? पूरा प्रैक्टिकल किया। अगर देव सर कल पूछेंगे तो प्रैक्टिकल करके बता दोगे उनको? बता दूंगा सर। बता दोगे? यस सर। मतलब माइक्रोस्कोप पे बैठ के बता दोगे कि ये जो जो आपने सर पढ़ाया वो मैंने पूरा प्रैक्टिकल करा? बता दूंगा सर। पक्का? पक्का सर। चलिए ठीक है। तो सर मैं गणेश कांडके मुंबई से। हाँ जी गणेश बताइए। ये लाइन में मैं 15 साल से हूँ। हाँ गणेश। लेकिन 15 साल में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा जी, यहाँ पे मैं अपने आप को आके मैं फ्रेशर समझ रहा हूँ। फ्रेशर समझ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो सिखाने का जो ट्रिक है जी, ये कहीं नहीं। ऐसा नहीं कि मुंबई में, महाराष्ट्र में और कहीं ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा इंस्टीट्यूट आज पहली बार देखा जो 12 घंटे से पढ़ा रहा है। 12 घंटे से नॉट द जोक सर। हर जगह 2-3 घंटा उतना होता है, 12 घंटा पढ़ाना। और जो देव सर का जो स्टैमिना है पढ़ाने का, मैंने आज तक ऐसा टीचर कहीं नहीं देखा सर। जो मैंने उनका रिव्यू देखा था, उनको जो मैं खुद सोशल मीडिया पे देखा, उससे बहुत ज्यादा है सर। और मैं अपने आप को खुश नहीं समझता हूँ, मैं एक एशिया टेलीकॉम का एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ। बराबर है, कांग्रेचुलेशन। और आप यहाँ से बहुत कुछ लेके जाओगे। हेलो। हाँ जी जी। नमस्ते सर, मेरा नाम हर्षराज है, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। हाँ जी। नहीं सर, मैं अपने आपको खुश नहीं समझता हूँ कि मैं मुझे देव सर जैसे गुरु मिले। बराबर है। और आज जो देव सर के साथ में हमारी क्लास हुई, बहुत ही लाजवाब थी सर जी। क्या लेवल का नॉलेज है सर? बहुत हाई लेवल का नॉलेज है, अनबिलीवेबल सर। मतलब जो सोच के आया था ना, उसे कई गुना ज्यादा मिला है सर।
एकदम बारीकी, हर चीज की बारीकी होती है, क्रिस्टल क्लियर काम होता है जी सर, हर चीज की पेट टू पेट जानकारी, पूरा डीप नॉलेज मिलता है सर, पूरा डीप नॉलेज है ना। अभी तो आपकी शुरुआत है मेरे भाई, अभी अंदर अंदर जब आप पूछेंगे ना जब और मजा आएगा जी सर। चलिए ठीक है, तो प्रैक्टिकल कैसा मिला आपको? प्रैक्टिकल एक नंबर था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई प्रैक्टिकल में एकदम ओके सर, सारी चीजें क्लियर सारी सर। चलिए आप, मैं सर सागर बोर्ड से, हाँ जी बालगर से हूँ महाराष्ट्र जी। सबने बोला क्या हुआ क्या नहीं, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ YouTube में मत रहो, लाइव क्लास आके ज्वाइन करो बस, बराबर है बस, बाकी कुछ नहीं बोलने का। सबने बोला सुबह क्या उठे, कितने बजे उठे, नहाए नहीं नहाए। अच्छा पर काम की बात कर ले तो सवेरे आए तो आपने रिवोल कितनी बार करा? मैं सर पांच बार, सबने पांच बार किया, सबने MD सर ने बताया, उन्होंने पांच बार करना जरूरी है, सबको जरूरी है, इसीलिए सबने सर पांच बार कर दिए। पांच बार करा तो करके खुशी आई कि नहीं? बहुत खुशी आई सर, मैं इसीलिए बोलता हूँ सबने बताया जिसने क्या क्या किया, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि YouTube पे मत रहो, डायरेक्ट लाइव आके ज्वाइन हो जाओ। अच्छा ये जो ऑनलाइन क्लास चलती है, हेलो ये जो ऑनलाइन क्लास चलती है, ऑनलाइन में कुछ सीख सकते हैं क्या? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, कारण नहीं, जो प्रैक्टिकल है सब प्रैक्टिकल है सर, ऑनलाइन मतलब सिर्फ ऑनलाइन से भी है, पैसे कमाने वाला का जो यहाँ पे आके हम लोग प्रैक्टिकल किए है वो हम खुद बोल सकते हैं कि ऑनलाइन से कुछ नहीं है सर, यूट्यूब से बोल दो वो सब फेक है सर, सर एक चीज एक रियल नॉलेज यहाँ पे मिला है सर, गलत चीज सीख सकते हैं जिसको गलत चीज सीखना यूट्यूब पे जाए। बस इतना चाहते हैं सबको, एक ही बोलना चाहता हूँ जाने। नहीं देखो देखो अब तुम बोल रहे हो ना, तो अभी देखो अभी अभी क्या है अभी दो चार चिंटू आ जाएंगे लाइव में, बोले ये तो मतलब फेक रिव्यू दे रहे हैं। चिंटू के सेल नहीं, पर जो हमारे मन में था ना कैसा रहता है, जब पहले दिन के आते हैं इधर हम बोलते हैं यार कैसे सिखाएंगे कैसे, भाई आ जाओ उसके बाद समझ में आ जाएगा किसको क्या है। वो पैसा पूरा वसूल है एशिया टेलीकॉम का, यस सर यस सर, पैसा वसूल है यस सर यस सर, एशिया टेलीकॉम जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र राजकॉम नेपाल जी। बताइए नेपाल इंटरनेशनल स्टूडेंट नेपाल, बताइए मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो मतलब जगह अच्छी है कि पढ़ाने का तरीका अच्छा? पढ़ाने का तरीका अच्छा है कि जगह देखने आए यहाँ पे? नहीं सर पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका अच्छा है। मतलब आपने मॉर्निंग में सारा काम किया, रिकॉर्डिंग का सेक्शन था आपका कल, तो रिकॉर्डिंग किया आपने? किया। कितना टाइम किया? फाइव टाइम किया। और उसके बाद कंपोनेंट का देव सर के साथ क्लास थे आपकी, कैसा रहा आपको? अच्छा लगा। उसका प्रैक्टिकल करा आपने? क्लियर। क्या बोलना चाहोगे अगर नेपाल से कोई स्टूडेंट आ जाएगा? जो आना चाहते हैं इधर आगे सीखे और जाए, अपना बिजनेस ग्रो करे, अपना बिजनेस ग्रो, पैसा या टाइम वेस्ट है कि ऐसे टेलीकॉम में? नहीं। नमस्कार सर, मेरा नाम यशवंत है, मैं नागपुर से हूँ। हाँ यशवंत बताइए। सर आज सुबह 8 बजे से हम आए थे, उसके बाद अपनी ऐसी की रिवॉल्विंग चालू हुई 8 बजे तक, उसके बाद देव सर आए और 11 से पूरे 5 बजे तक अपनी कंपोनेंट की क्लास हुई सर, उसके बाद प्रैक्टिकल हुआ जिसमें आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल कराया सर। अच्छा तो अगर मैं थर्मिस्टर का बोलूं तो आप थर्मिस्टर ढूंढ सकते हैं? ढूंढ सकते हैं यस सर, 3 मिनट में थर्मिस्टर ढूंढ के कोई सी भी PCB दूंगा आपको। यस सर, तरीका है आपके पास कौन सी जगह पे मिलेगा ये मालूम है? यस सर, उसकी टेस्टिंग क्या होती है? यस सर पूरा मालूम है सर, मेरे पास एक ओप्पो का बोर्ड था, मैंने उसमें 2 थर्मिस्टर निकाले सर। थर्मिस्टर निकाले सर, तो अभी ये मेरे को बताना पड़ा कि आपने खुद से निकाला? यस सर। नेक्स्ट वर्क थोड़ा सा जानकारी दे दो अपने बारे में, थोड़ा परिचय दीजिए मुझे। मेरा नाम शंकर कुमार सर। हाँ जी। नेपाल से। नेपाल से हूँ। इस लाइन में मैं फ्रेशर हूँ जी। सुबह आया एसी का रिवॉल्विंग किया, मैं नया हूँ तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, 2-3 बार से किया तो हुआ कि नहीं हुआ आपसे? हो गया। तरीका आया कि नहीं आया? तरीका मालूम आ गया। तरीका मालूम आ गया। अच्छा उसके बाद? उसके बाद फिर देव सर के साथ जी, जो उसका पढ़ाने का तरीका है बहुत अच्छा लगा। उनका पढ़ाने का तरीका है सर का? हाँ जी सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो अभी कंपोनेंट की क्लास में पूरा प्रैक्टिकल करा आपने? प्रैक्टिकल सारी चीजें समझ में आई, थर्मिस्टर ढूंढ सकते हो? चलिए ठीक। मेरा नाम दिलीप है, मैं झारखंड जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। हाँ दिलीप बताइए मेरे को कि इस फील्ड में कब से हैं, क्या लेवल का नॉलेज मिला आपको? इस फील्ड में मैं बहुत पुराना हूँ, 14 साल से मेरी दुकान है पर रिपेयर। अच्छा 14 साल से है तो क्या डिफरेंट लगा आपको?
मैं कुछ भी नहीं जानता था मोबाइल के संबंध में। अभी जैसा आज मतलब पहला दिन है, पहला दिन में क्लास करके लग रहा है कि मोबाइल के बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं था। जो सीख रहा हूँ आज ही सीख रहा हूँ, ऐसा ही लग रहा है। इससे पहले तो मैं जैसे कुछ जानता ही नहीं था। तो मतलब 14 साल में आज का दिन भारी है, बहुत भारी है, बहुत भारी है, बहुत भारी। तो सर के साथ क्लासेस में कैसा लगा आपको? सर तो इतना अच्छा से एग्जाम्पल दे के समझाते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि और कोई समझा पाएगा ऐसा। मैंने YouTube में भी बहुत सारे वीडियो और सर के वीडियो में आकाश जमीन का अंतर है, चाहे कोई भी देख ले बराबर समझ में आ जाएगा। रिव्यू से ही यहाँ पर मैं आया हूँ, ये बात है। तो आज मैं सुबह से शाम तक की आपकी क्लास कैसी लगी? सुपर सर, सुपर सुपर, थैंक यू। मैं उमेश नेपाल से। हाँ उमेश बताइए। क्लास बहुत अच्छा चला सर। क्लास अच्छा रहा? तो नेपाल हिंदी को बोलने में थोड़ा दिक्कत आता है ना? नेपाली में बोल दो, नेपाल नेपाल वासियों के लिए कि एशिया टेलीकॉम के बारे में एक दिन की क्लास मिली, आपको कैसा लगा? आप अपनी भाषा में बोलिए। राम को लगे और बोल दो ना, अपनी भाषा में बोलो ना। तुम ही बनाए कि हां बोलिए ना, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। की बंदे जा चलिए थोड़ा सा राम को लगे। बोलो बोलो चलते ना। प्रैक्टिकल पहले समय के करे छाला रिवॉल्विंग पे 3-4 बार करे हो। चलिए ठीक है, कुछ अभी बोलने में थोड़ा इनको दिक्कत आ रहा है, एक दो दिन में आदत हो जाएगी। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप लोग एक साथ कहेंगे इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। गेट सेट गो। एशिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?